नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। प्रतापगढ़, दिन दहाड़े बैंक मैनेजर को बैंक खोलते ही दबोच हुई 5.5 लाख की लूट। प्रतापगढ़ में आजकल अपराधियों का इकबाल बुलंद है। हर रोज नए नए आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिल ही जाती हैं। ऐसे ही एक मामला प्रतापगढ़ के ग्रामीण बैंक जगेसरगंज के शाखा प्रबंधक के साथ हुआ। ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक कमलेश यादव ने सुबह जैसे ही बैंक के ताले खोले, दो अपाची बाइक से पहुंचे 6 लुटेरों ने शाखा प्रबंधक को बंधक बना उन्हें लातों घूसों से पीटना शुरू कर दिया और बंधक बनाने के बाद लाखों रुपए लूटकर फरार होने में सफल हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बैंक में बनवासों ने डकैती डाली और लूट को घटना को अंजाम दिया। कितना कैश ले गए और क्या घटना को अंजाम दिया? ये यहाँ पर बड़ौदा ग्रामीण बैंक है और अंतु थाने में जगेसरगंज में इसकी ब्रांच है और 11:50 के करीब यहाँ पर 6 नकाबपोश लुटेरे आए, जिन्होंने यहाँ पर अंदर बैंक में जो कस्टमर थे उनको उन्होंने ओवरपावर कर लिया और जहाँ के एम्प्लॉइज थे उनके साथ मारपीट करके इन्होंने यहाँ पर बैंक में लूट की। तो अभी जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिल रही है, कैशियर के पास से इन्होंने 4.5 लाख रुपये लूटे हैं और जो स्ट्रॉन्ग रूम में 62,000 रुपये करीब थे वो इन्होंने लूटे हैं। बाकी बैंक के यहाँ पर अधिकारी आ गए, वो लोग पूरी कैलकुलेशन करके थोड़ी देर में बता पाएंगे कि टोटल कितने की लूट थी। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल ये है कि हम लोगों ने चारों तरफ चेकिंग लगा दी है और कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि वो लोग किस तरफ गए हुए हैं। वहाँ पर भारी फोर्स के साथ हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं और गाँव में जिस तरफ भी गए हैं वहाँ पर अंदर हम लोग भेज करके आइडेंटिफाई हम लोगों को कर लेते हैं।